एक એવું મંદિર જેના શિખર ઉપરથી વિમાન તો શું પક્ષી પણ ઉડી શકતું નથી અને પવન ગમે તે દિશામાં રહે પરંતુ આ મંદિરની ધજા હંમેશા વિરુદ્ધ દિશામાં ફરકે છે। સાથે આ મંદિરનો પડછાયો પણ ક્યારેય દેખાતો નથી। જી હા મિત્રો, આવા તો કેટલાય રહસ્યો આ મંદિર સાથે જોડાયેલા છે જેમની સાથે વૈજ્ઞાનિકો પણ હારી ગયા છે। મિત્રો, તમે પણ આ ચમત્કારી મંદિરના દર્શન કરવા માંગો છો ને तो ध्यान थी आ वीडियो अंत सुधी जरूर जुओ। हिंदू धर्म अनुसार चार धामों बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर अने पुरी छे। एवं मानवामां आवे छे कि ज्यारे भगवान विष्णु चार धाम पर स्थायी थया हता त्यारे तेओ पहला बद्रीनाथ गया हता अने त्या स्नान कर्यु हतु। त्यारबाद तेओ गुजरातना द्वारका गया हता अने त्या कपड़ा बदलाव्या हता। द्वारका पछी तेमणे ओडिशाना पुरीमां बपोरनुं भोजन लीधु अने छेले तमिलनाडुना रामेश्वर खाते आराम कर्यो। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथनु मंदिर छे। पुरीना आ मंदिर में भगवान जगन्नाथ तेमना भाई बलराम अने बहन सुभद्रानी लाकड़ानी मूर्तिओ छे। लाकड़ाना शिल्पो साथेनु आ देशनु अनोखु मंदिर छे। जगन्नाथ मंदिरनी आवी घणी विशेषताओ छे, साथे ज मंदिर साथे जोडायेली एवी घणी वार्ताओ छे जे सदियोथी रहस्य बनीने रही छे। जगन्नाथ मंदिर साथे जोड़ायेली एवी मान्यता छे कि ज्यारे भगवान कृष्णे पोताना शरीरनो त्याग कर्यो अने अंतिम संस्कार करवामां आव्या त्यारे शरीरना एक भाग सिवाय तेमनुं आखुं शरीर पंचतत्वमां भळी गयुं हतुं। एवुं मानवामां आवे छे कि भगवान कृष्णनुं हृदय जीवित मानवीनी जेम धड़कतुं हतुं। एवुं कहेवाय छे कि हृदय हजी पण सुरक्षित छे अने भगवान जगन्नाथनी लाकडानी मूर्तिनी अंदर छे। दर बार वर्षे मूर्तिओ बदलवामां आवे छे। जगन्नाथ पुरी मंदिर की त्रणेय मूर्तिओ दर बार वर्षे बदलवामां आवे छे। जूनी मूर्तिओनी जग्याए नवी मूर्तिओनी स्थापना करवामां आवे छे। मूर्ति बदलवानी आ प्रक्रिया साथे संबंधित एक रसप्रद किस्सो पण छे। ज्यारे मूर्तिओ बदलवामां आवे छे त्यारे समग्र शहर में वीजळी डूल थई जाय छे। जगन्नाथ मंदिर की आसपास संपूर्ण अंधारू छे। मंदिर की बहार आर्मीना जवानो तैनात छे। मंदिर में कोईपण व्यक्तिना प्रवेश पर प्रतिबंध छे। मंदिर में फक्त तेज पुजारीओने प्रवेश आपवामां आवे छे जेमणे मूर्तिओ बदलवानी होय छे। पुजारीओनी आँखों पर पण पट्टी बांधेली छे। हाथ में मोजा पहेरावामां आवे छे। आ पछी मूर्तिओ बदलवानी प्रक्रिया शुरू थाय छे। जूनी मूर्तिओ नवी मूर्तिओ द्वारा बदलवामां आवे छे, परंतु एक वस्तु छे जे क्यारेय बदलाती नथी, ते छे ब्रह्म पदार्थ। जूनी मूर्तिओमांथी ब्रह्म पदार्थ काढीने नवी मूर्तिओमां लगाववामां आवे छे। सिंहद्वारनुं रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र किनारे आवेलू छे। मंदिर में सिंहद्वार छे। कहेवाय छे कि ज्यां सुधी सिंहना दरवाजानी अंदर पग न मूके त्यां सुधी समुद्रना मोजानो अवाज संभळाय छे, परंतु सिंहना दरवाजानी अंदर पग मूकता ज मोजानो अवाज गायब थई जाय छे। ए ज रीते सिंहद्वारथी निकळती वखते पहेलू पगथियुं बहार आवे के तरत ज समुद्रना मोजानो अवाज फरी आववा लागे छे। एवं पण कहेवाय छे कि सिंहना दरवाजा में पग मूकता पहला नजीक में सड़कती चीतानी गंध पण आवे छे, परंतु सिंहना दरवाजानी अंदर पग मूकतानी साथे ज आ गंध पण खतम थई जाय छे। सिंहद्वारना आ रहस्यो पण अत्यार सुधी रहस्य ज रह्या छे। भगवान जगन्नाथना मंदिरना ध्वजनुं रहस्य। जगन्नाथ मंदिर लगभग 4 लाख चौरस फूट विस्तार में आवेलू छे। तेनी ऊंचाई 214 फूट छे। सामान्य रीते कोईपण इमारत के वस्तु के मनुष्यनो परछायो दिवसना अमुक समय जमीन पर देखाय छे, परंतु जगन्नाथ मंदिरनो परछायो क्यारे कोईए जोयो नथी। आ सिवाय मंदिरनी टोच पर स्थापित ध्वजने लईने पण एक मोटू रहस्य छे। आ ध्वजने रोज बदलवानो नियम छे। एवुं मानवामां आवे छे कि जो कोई दिवस ध्वज बदलावामां नहीं आवे तो कदाच आगमी 18 वर्ष सुधी जगन्नाथ मंदिर बंध थई जशे। आ सिवाय आ ध्वज हमेशा पवननी विरुद्ध दिशामां उड़े छे। मंदिरनी टोच पर सुदर्शन चक्र पण छे। कहेवाय छे कि जो आ सुदर्शन चक्र पुरीना कोईपण खूणेथी जोवामां आवे तो तेनुं मुख तमारी तरफ देखाय छे। मंदिर उपर पक्षीओ उड़ता नथी। भगवान जगन्नाथना मंदिरना घुम्मट पर क्यारेय कोई पक्षी बेठेलू जोवा मळ्युं नथी। आ मंदिर उपरथी विमानोने पण उड़वानी मंजूरी नथी। रसोडा विशे खास वात। कहेवाय छे कि जगन्नाथ मंदिर में दुनियानुं सौथी मोटुं रसोडुं छे। आ रसोडा में 500 रसोईया अने 300 तेमना सहयोगी काम करे छे। आ रसोडा साथे जोडायेल एक रहस्य ए छे कि अहीं लाखों भक्तो आवे तो पण प्रसादनी क्यारेय कमी नथी आवती, परंतु जगन्नाथ मंदिरनो दरवाजो बंध थवानो समय आवता ज प्रसाद आपोआप खतम थई जाय छे, एटले के अहींनो प्रसाद क्यारेय वેડપાતો નથી। આ સિવાય જગન્નાથ મંદિરમાં ચડાવવામાં આવતો પ્રસાદ લાકડાના ચૂલામાં બનાવવામાં આવે છે। આ પ્રસાદ 7 વાસણોમાં બનાવવામાં આવે છે।
સાત વાસણો એક પછી એક મૂકવામાં આવે છે, એટલે કે સાતેય વાસણો ચૂલા પર ચીડીની જેમ રાખવામાં આવે છે। સૌથી નવાઈની વાત એ છે કે જે વાસણ સૌથી ઉપર હોય છે એટલે કે સાતમા નંબરના વાસણને સૌથી પહેલા પ્રસાદ બનાવીને તૈયાર કરવામાં આવે છે। આ પછી છઠ્ઠા પાંચમા ચોથા ત્રીજા બીજા અને પહેલા એટલે કે નીચેનો વાસણનો પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવે છે।